आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने सोनिया गांधी पर हमला बोला है। सच बोलने की आदत डालें सोनिया गांधी, सीएम योगी ने कहा है। कांग्रेस खुद आरक्षण में लगा रही है सेंध, पिछड़ी जातियों जनजातियों की आरक्षण में सेंध लगा रही है कांग्रेस। आंध्र प्रदेश से हो चुकी है इसकी शुरुआत भी, सीएम योगी ने निशाना साधा है। 2024 में कांग्रेस क्या कर रही है ये सब जानते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो विभाजनकारी है, आरक्षण पर सेंध लगाने वाला मैनिफेस्टो है। जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, सीएम योगी ने निशाना साधा है सोनिया गांधी पर। छह प्रतिशत आरक्षण यूपीए चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2004 से 2014 के बीच में क्या किया था कौन नहीं जानता उस समय। क्या ये सच नहीं कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी और कमेटी ने संस्तुति की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय और एनडीए ने उस समय विरोध किया था, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फिर एससी एसटी के अधिकारों पर भी इन लोगों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यह भी कांग्रेस के समय हुआ। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में सेंध लगाने वाला है, कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। और कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनाव के दौरान जनता की आंखों में धूल झोंक करके अब ये देश की सत्ता नहीं हथिया पाएंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कर रहा है। अब आपको सोनिया गांधी का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए दलित आदिवासियों के साथ बड़ा भेदभाव का आरोप लगाया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित आदिवासी पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी, लगातार कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है भेदभाव करने का और सोनिया गांधी ने भी आरोप लगाया, हालांकि सीएम योगी ने जवाब दिया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सोनिया गांधी जी इस बात को भूल गई कि सीताराम केसरी नामक एक पिछड़ी जात का उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष था और बाद में उसे दफ्तरों में जूता जूता मार के भगाने का काम इन कांग्रेसियों ने किया है। कितने कितने बड़े ये लोग कि पिछड़ों के हितैषी हैं कांग्रेस दिखाई देती है। और महिलाओं की बात सोनिया अम्मा कर रही है जिन्होंने अपनी कई साल की विधवा देवलानी को 6 माह के बेटे के साथ रात को 3 बजे घर से बाहर निकलवाने का काम किया था। देश की जनता जानती है कि वरुण गांधी 6 महीने के थे, बीमार थे और 23 साल की वो मेनका गांधी थी, विधवा थी और उन्हें रात को ये लोग कांग्रेसी दोगला शरीर दिखाने का काम करते हैं। जनता सामने देख रही है इनका पिछड़ा और महिला विरोधी चेहरा। बिल्कुल अशोक जी, देखिए क्या वजह है जो बीजेपी पर ये आरोप बार बार लगते रहे हैं दलित आदिवासियों के साथ बड़े भेदभाव के? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये लोग आरोप लगाने वाले लोग हैं, अभी कहते हैं कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे। इस मुल्क में लोकतंत्र का गला अगर किसी ने घोटा आपातकाल लगा के तो कांग्रेस पार्टी ने। संविधान बचाएंगे, संविधान को चित्ती चित्ती अगर अपने फायदे के लिए किसी ने किया है
तो सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस बात को जनता जानती है, इसलिए इसे हाशिए पर पहुंचाने का काम किया है। अशोक जी, क्या लग रहा है चुनाव को प्रभावित करने के लिए अब ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, चुनाव में निश्चित तो इतनी मान्यताएं टूटी हैं, इतनी गालियां, वो जो एक सुच्चा नेता कन्हैया है दिल्ली का, वो प्रधानमंत्री को मां बहन की गाली देता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। चुनाव आयोग को तो ध्यान में रख देना चाहिए ऐसे चुच्चे लोग जिनका कांग्रेस समर्थन कहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष लवली ने तो त्यागपत्र दे दिया, लेकिन कांग्रेस बेशरम है, उसे शर्म नहीं आती है। हर तरफ आचार संहिता का हनन अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।